इटावा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के जन्मदिन के अवसर पर 9 जून को सेवा संकल्प दिवस के मौके पर बस स्टेशन इटावा पर नवनिर्मित पुलिस सहायक केंद्र का लोकार्पण, मुख्य अतिथि संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशिष्ट अतिथि कपिल देव सिंह, पुलिस अधीक्षक इटावा श्री अनिल कुमार सिंह, सीओ सिटी इटावा श्री पीआर पांडे, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम इटावा की गरमाई उपस्थिति में मुख्य अतिथि संजय कुमार वर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नवनिर्मित पुलिस सहायता केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया। जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल, जिला महामंत्री धर्मेंद्र कुमार जैन सहित अन्य ने 9 जून सेवा संकल्प दिवस के मौके पर पुलिस सहायता केंद्र की चाबी एसएसपी को भेंट कर जनसेवा के लिए समर्पित की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों का फूलमाला एवं प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन व्यापार मंडल का धन्यवाद देता है, इस प्रकार के कार्यों से जनसेवा का भाव जागृत होता है। बस स्टेशन इटावा पर अब 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा एवं जनमानस की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासन के आग्रह पर हमारे व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने ये नव निर्मित पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण कराकर प्रशासन को सौंपा है। देखिए, पुलिस सहायता केंद्र नया शहर ये रोडवेज के पास है, बस स्टैंड के पास, और ये व्यापारियों के सहयोग से, जन सहयोग से बना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत भव्य बनाया गया है। निश्चित तौर से पुलिस और व्यापारियों का संबंध इससे प्रगाढ़ होगा और बहुत ही अच्छी एक परंपरा जो बनी हुई है। एक तो व्यापारियों के साथ जो कभी कभी अपराध होता है, छोटी मोटी जो घटनाएँ होती हैं, उससे व्यापारी और पुलिस एक सूत्र में बंधेंगे और कम से कम उन तरह की घटनाओं की सुनवाई में उनका एक बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर सुनवाई होगी, बेहतर ढंग से जो है उसका निस्तारण होगा। तो निश्चित तौर से कि जब संबंध अच्छा होता है, इस तरह से आप लोगों के सहयोग से जो इस तरह से एक पुलिस बूथ या जो आप चौकी भी कह सकते हैं उसे, जिस तरह से ये प्रबंधन किया गया, जो बनवाया गया है, तो दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ इतने अच्छे हो जाएंगे कि समस्याओं का, तमाम समस्याएं जो आती हैं व्यापारियों के लिए या आम जनता के लिए जो समस्याएँ आती हैं उसको निस्तारण करने में बहुत ही सहयोग मिलेगा। चूँकि देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।